कि आज हम विषय ले रहे हैं एंटी रोमेटिक प्रैक्टिसेस, जिसका अर्थ होता है कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी जोड़ हैं उन जोड़ों के संबंध जो बीमारियां होती हैं, दो प्रकार की बीमारियां होती हैं, एक को कहा जाता है ओस्टियो आर्थराइटिस, इसका होता है संधिवात, जिसमें जोड़ों में दर्द होता है उम्र के बढ़ने के साथ, हम अगर व्यायाम नहीं करते हैं, बहुत सारे मानसिक तनाव के नीचे जीवन जीते हैं, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है। आप देखें कैसे आजकल के जवान लड़के लड़कियां इतनी टाइट पैंट पहनते हैं जीन्स की, कि सवाल ही नहीं उठता है कि वो ज़मीन पर बैठ सके। हम सारा दिन पैरों को लटका कर बैठते हैं पलंग पर, सोफे पर, कुर्सी पर, और हम क्या करते हैं, पलकी मार कर बैठते नहीं हैं, ज़मीन पर बैठते नहीं हैं, इसके वजह से। और दूसरा, पहले के ज़माने में हम बहुत सारा काम ऐसा करते थे कि जॉइंट्स को ऑटोमेटिकली, जितने भी शरीर के जोड़ हैं उनको ऑटोमेटिकली किसी भी प्रकार का व्यायाम मिल गया था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ आपको, तो हम कुएं से पहले क्या करते थे, बाल्टी से पानी को खींच के ऊपर लेके आते थे, तो जैसे ही आगे झुकते थे फिर पानी को खींचते, पीछे झुकवाना मत था, तो न चाहते हमारे फेफड़ों में बहुत सारी ऑक्सीजन चली जाती थी, हमारे जॉइंट्स को कई सारे प्रकार की मूवमेंट्स मिलती थी। फिर वहाँ से पानी घाघर भर के गृहणियाँ क्या करती थी, सर के ऊपर घाघर रख के वहाँ से कुएं से अपने घर पर आती थी और चूल्हे को फूंका जाता था, राइट। लेकिन अभी सब खत्म हो चुका है, हमाम दस्ते में चटनी कूटी जाती थी और चक्की में आटा पीसा जाता था, तो क्या होता, नचाते हुए हमारे जॉइंट्स काफ़ी एक्टिवेशन आते थे। आजकल हर काम किसे हो गया, बटन से, बटन दबाओ सारा काम ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा होता है। तो वैज्ञानिक युग ने क्या किया, हमारे हाथ और पांव की मेहनत को ख़त्म कर दिया है, और वो सारा तनाव कहाँ आ गया है, यहाँ पर, और यहाँ से जो बीमारियाँ निकलती हैं इनका कोई इलाज नहीं है। मेडिकल साइंस के पास इन बीमारियों की दवाइयाँ तो हैं, लेकिन उन दवाइयों से क्या होता है, हमारे उन रोगों के लक्षण छूट जाते हैं लेकिन रोग वही रह जाते हैं। जब मैं कह सकता हूँ कि देखिए, अगर ये बीमारियाँ कौन सी हैं, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, ये कांटे की तरह चुभती हैं शरीर में, दवाइयाँ इस कांटे की जो ऊपर से जो दिखती है पॉइंट, उसको निकाल सकता है, निकालता नहीं है, मैं कह रहा हूँ निकाल सकता है। मेडिसिन मेर वो द प्रिक ऑफ द थॉर्न, बट योगा रिमूव द थॉर्न, लेकिन योग से आप उस कांटे को जड़ से ही निकाल सकते हैं बाहर। तो आज हम कर रहे हैं एंटी रोमेटिक प्रैक्टिसेस। देखिए, हम अगर पलकी मारकर या ज़मीन पर थोड़ी देर के लिए नहीं बैठते हैं तो क्या होता है, जॉइंट्स में लगातार कड़ापन बढ़ता चला जाता है। हमारी फूड हैबिट्स, जिसमें बहुत सारा लाइट फूड खाते हैं और नॉनवेज खाते हैं, मांसाहार खाते हैं, इसके वजह से उनके अंदर जो एसिड होता है उन जॉइंट्स में एक्युमुलेट होता है, जमा होता है, उन जॉइंट को कड़ा करता है, और फिर बाद में जब हमें पता चलता है तो कई बार लोग उससे बाहर ही नहीं आ पाते हैं। तो इस व्यायाम को हमने कहा है एंटी रोमेटिक प्रैक्टिसेस। रोमेटिज्म का और एक प्रकार होता है वात का रोग है, ये वायु से संबंधित रोग है ये, जिसमें जो किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है। वैसे आर्थराइटिस, संधिवात किन लोगों को होता है, 35-40 साल की उम्र के बढ़ने के साथ जोड़ों में कड़ापन आता है और फिर लचीलापन खत्म हो जाता है और फिर जोड़ों में दर्द शुरू होता है। लेकिन और एक बीमारी होती है जिसको कहा जाता है रोमेटिज्म, उसमें क्या होता है, शरीर के कई छोटे छोटे जोड़ों में भी दर्द होता है, हो सकता है आपकी उंगली के छोटे छोटे जोड़ों में भी दर्द हो, दर्द के साथ इसमें सूजन आती है और कई बार ये जॉइंट्स डिफॉर्मेशन स्टेज में हो जाते हैं, काम ही नहीं करते। तुमने किसका पाँव ऐसा चला गया तो उसको चलने के लिए ऐसा से चलना पड़ता है, काम ही नहीं करता जॉइंट। तो मैं आपको बता रहा हूँ अब कुछ प्रैक्टिसेस की, जिसमें हम सारे शरीर के जॉइंट्स को हम आज रिलैक्स करेंगे। तो हमने शरीर को 5 भागों में बांटा है। पहले हम लेंगे दोनों ही टांगों का व्यायाम, जिसमें 3 प्रकार के जॉइंट आते हैं। पहला जॉइंट है हिप जॉइंट, दूसरा होता है घुटने का जोड़, नी जॉइंट, और तीसरा है एंकल जॉइंट। उसके बाद हम लेंगे सेकेंड स्टेज में, हम लेंगे अपने मेरुदंड को, 33 मणकों का बना हुआ हमारा मणका मेरुदंड, वर्टिब्रल कॉलम। उसके पास में जो छोटी छोटी जो मांसपेशियां होती हैं
वहाँ भी एसिड जमा होने की वजह से, मानसिक तनाव की वजह से क्या होता है, कभी गर्दन में अकड़न, कभी कंधे में पीड़ा, कभी कूल्हे की अकड़न, कभी पीठ में दर्द होता है, कभी कमर में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है। तो सेकंड स्टेज में हम क्या करेंगे, पूरे के तरह छोटी छोटी मांसपेशियों को एक्टिवेट करेंगे। उसके बाद हम लेंगे दोनों बाहों का, यहाँ पर भी तीन ज्वाइंट हैं, रिस्ट ज्वाइंट, ये है हमारा एल्बो ज्वाइंट और ये शोल्डर ज्वाइंट है। चौथा अभ्यास हम लेंगे शोल्डर्स का, कंधों का, और पांचवे में हम ये सर से धड़ को मिलाने वाले ज्वाइंट, जिसको कहा जाता है मेंटल रिलैक्सेशन या नेक मूवमेंट। तो सभी प्लीज़ ले लीजिए पोजीशन, जैसे बैठना है ध्यान से देखते जाएं। आपको एक बात और बता दूं कि व्यायाम का आज के ज़माने में इतना महत्व है। देखिए प्रॉवर एक मैं बता रहा हूँ, आप बिल्कुल दिमाग में बिठा दो उसको, भाई 100 काम छोड़कर वक्त पर खाना खा लेना चाहिए, 1000 काम छोड़कर वक्त पर सो जाना चाहिए, 1,00,000 काम छोड़कर व्यायाम करना चाहिए और 1,00,00,000 काम छोड़कर परमात्मा को याद करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, एक भी काम आया ना तो अगर व्यायाम हम करते हैं, पहले तो करते ही नहीं हैं, लेकिन अगर हम करते हैं तो क्या हो जाता है, एक काम आया तो सबसे पहले हम व्यायाम को अपने लाइफ से बाहर कर देते हैं कि आज मेरे पास टाइम नहीं है, आज मैं व्यायाम नहीं कर सकता। दूसरी बात बताता हूँ, सफलता अगर आपको चाहिए तो उसका फार्मूला है 3R, सफलता, सक्सेस इन योग, S इज इक्वल टू 3R, R मतलब राइट टेक्निक, सही विधि, दूसरा R होता है रेगुलरिटी, जिसको कहा जाता है नियमितता, और तीसरी R होती है रिलैक्सेशन इन एक्शन। रिलैक्सेशन योग की आत्मा है, आप कुछ भी कर रहे हैं लेकिन ऐसा कर रहे हैं कि उससे आपकी तकलीफ बढ़ रही है, ऐसा कर रहे हैं जिससे आपको थकान आ रही है, ऐसा कर रहे हैं जिससे आपको पीड़ा हो रही है, ऐसा कुछ कर रहे हैं जो आपकी बॉडी, आपका शरीर आपको सूट नहीं करता है, या आप शरीर की मर्यादा को लांघ कर कुछ कर रहे हैं तो वो रिलैक्सेशन नहीं है। एक्शन आप कर रहे हैं, मूवमेंट्स आप दे रहे हैं बॉडी को, लेकिन फिर भी रिलैक्स आप हैं, वही आपको तीन बातें ध्यान रखनी होगी। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं, हम शुरू कर रहे हैं पैरों से। आपको बैठना कैसा है, दोनों ही पैरों में अंतर ले लें, दोनों पैरों में अंतर ले लें, दोनों हाथों की हथेली को पीछे रखें, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्पाइन को सीधा रखना है। अगर आप ऐसे टेढ़े चले जाओगे तो ये सही नहीं है, आपको थोड़ा ही हाथ पीछे लेने हैं और आरामदायक स्थिति बैठना है। सबसे पहले हम करने जा रहे हैं किसके लिए, पैरों के लिए। तो ध्यान से देखिए कि आपको दोनों ही पैरों में 4 फुट का 4 इंच का अंतर लें और दोनों ही पैरों की उंगलियों को आगे पीछे करें, फ्रंट एंड बैक, दोनों ही पैरों की उंगलियों को आगे पीछे करें, फ्रंट एंड बैक, आगे पीछे करें, पैरों की उंगलियों को आगे ले आएं, दबाएं, दबा कर रखें और महसूस करें, फिर पीछे ले जाएं। पूरा ध्यान बिल्कुल अपने प्रैक्टिस की तरफ रखें, पैरों में 4 इंच का अंतर रखें, पैरों की उंगलियों को, पैर नहीं हिलते हैं यहाँ, पैर नहीं हिलते हैं, सिर्फ उंगलियां, लेकिन ज़्यादा झुकना नहीं है पीछे, सीधा होकर बैठना है, हाथों पर सपोर्ट देना है पीछे, और पैरों की उंगलियों को आगे पीछे करते रहें। पैर नहीं, सिर्फ उंगली, ओनली फिंगर्स, नहीं और भी पैर आगे आ रहे हैं आपके, ओनली फिंगर्स, जोर से दबाए रखें। अब जब अंदर की तरफ दोनों पैरों को ले जाते हैं तो पिंडली के पास जो खिंचाव बनता है, जो दबाव बनता है, उसे महसूस करें। देखिए जिन लोगों के पैरों में लगातार दर्द बना रहता है, पीड़ा बनी रहती है, ऐसे व्यक्तियों को इस प्रैक्टिस को और भी ज़्यादा टाइम देकर करना चाहिए। कैसे, ये देखिए, अब मैं बता रहा हूँ आपको, अब दोनों ही पैरों की उंगलियों को आगे ले आएँ, पैरों की उंगलियों को ज़मीन की तरफ खींच के रखें और ज़ोर से खींचें दोनों ही पैरों की उंगलियों को अंदर की तरफ, और पिंडलियों में आने वाले खिंचाव को महसूस करें, प्रेस इट, दबाओ, होल्ड इट, दबा कर रखो और महसूस करो। देखिए यहाँ पर जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं, जिनके तलों में जलन होती है, एड़ियों में पीड़ा होती है, उन लोगों के लिए और एक अभ्यास हम बताएंगे।
दोनों पैरों में आपसे अंतर रखो और दोनों ही पैरों को जमीन से छुआने की कोशिश करो अंदर की तरफ, फिर दोनों पैरों को बाहर की तरफ ले जाएं। कम ऑन, फ्लैट और फोल्डेड इनसाइड, अंदर की तरफ ले जाएं, जमीन को छुआने की कोशिश करें, घुटने जमीन से ऊपर न उठे, फिर बाहर की ओर ले जाएं, दोनों ही पैरों को जमीन से छुआने की कोशिश करें, फिर अंदर की ओर ले आए, फिर बाहर की ओर ले जाए। यस, अब दोनों ही पैरों में 2 फुट का अंतर ले लें, बाएं पैर को रिलैक्स करें और दाहिने पैर को बड़ा शून्य बनाते हुए 10 बार सीधा घुमाएं क्लॉकवाइज, बड़ा शून्य बनाएं 10 राउंड्स क्लॉकवाइज, बिग सर्किल, घुटना जमीन से ऊपर न उठे, 10 बार सीधा दाहिने पैर को, बाएं पैर को रिलैक्स रखें और दाहिने पैर को 10 बार सीधा घुमाएं 10 राउंड्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इसको उल्टा घुमाएं 10 राउंड्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 10 बार उल्टा घुमाएं। इसको कहा जाता है एंकल रोटेशन, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज में बड़ा शून्य बनाते हुए घुमाएं। और अब दाहिने पैर को रिलैक्स करें और बाएं पैर को 10 बार सीधा घुमाएं, बिग शून्य, बड़ा शून्य बनाएं, बिग सर्किल 10 राउंड्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बड़ा शून्य बनाएं, बड़ा शून्य बनाएं, बिग सर्किल। पूरा ध्यान अपने अभ्यास की तरफ रखो और चेहरे पर कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स मूड में करो। उठना ऊपर नहीं, उठना ऊपर नहीं, उठना जमीन पे रखना है, उठना ऊपर नहीं उठेगा। और दोनों ही पैरों को एक साथ मिलाकर 5 बार सीधा, 5 बार सीधा और फिर उल्टा घुमाएं एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा घुमाएं, बड़ा शून्य बनाएं और दोनों ही घुटनों के जो राउंड जो बोन है हड्डी, इसको कहा जाता है पटेला बोन। अब पैरों पर सीधा रखें और दोनों ही ये जो हड्डियां हैं गोल हड्डी घुटने के घुटने पर, उसको अंदर की तरफ ले जाएं, खींचे अंदर की तरफ, दबाए अंदर की तरफ दोनों ही पैरों की, सिर्फ पटेला बोन को, राउंड बोन को अंदर की तरफ दबाएं, रिलैक्स करें, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। अब लेफ्ट पैर को सीधा रखें, दाहिने पैर को फोल्ड करके दोनों हाथ की उंगलियों को फंसाएं, नीचे ले जाएं और इसको बड़ा शून्य बनाते हुए 3 बार सीधा घुमाएं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 5 बार या 3 बार सीधा घुमाएं। अब उल्टा घुमाएं, बड़ा शून्य बनाएं, बड़ा शून्य, पूरा पूरा बड़ा शून्य बनाओ। अब दाहिना पैर नीचे रखें और बाएं पैर को उठाएं ऊपर और 5 बार सीधा, और 5 बार उल्टा, बड़ा शून्य बनाएं, पूरा खोले घुटने को, जब घुटना अंदर आ रहा है तो छाती से लगाने की कोशिश करें एंड रिलैक्स। सबसे पहले आप क्या करेंगे, राइट पैर को सीधा रखें, बाएं पैर को फोल्ड करके, देखिए कैसा उठाना है पैर को ऊपर, पैर को घुटने से फोल्ड करें, एड़ी को अंदर से पकड़ें, पंजे को बाहर से पकड़ें और इसको उठा के जंगा के जोड़ पर ले आए और यहाँ पर हिंज पॉइंट बनाएं। और अब बाएं घुटने को जमीन से छुआने की कोशिश करें, जमीन से छुआने की कोशिश करें बड़े आराम से। और अब इसके बाद सेकेंड जो है हम ले रहे हैं सेकंड में हम करने जा रहे हैं हारमोनियम एक्शन, ऊपर उठा के घुटने को छाती से लगाने की कोशिश करें, फिर सांस को भरते हुए घुटने को जमीन से छुआने की कोशिश करें, फिर ऊपर उठा के थोड़ी से टच करने की कोशिश करें, अब हम करने जा रहे हैं हिप रोटेशन, फिर से एंकल जॉइंट को पकड़ें और 5 उंगलियों को ऐसे फैलाएं, अंगूठे को आपके घुटने को पटेला बोन को पकड़ें और इसको 5 बार बड़ा शून्य बनाते हुए सीधा घुमाएं, 5-10 बार हिप रोटेशन, इससे
घुटने का दर्द और जंगा का दर्द भी दूर होता है, बड़ा शून्य बनाया, बिग सर्किल। उल्टा घुमाएं, बड़ा शून्य बनाएं, एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स, पैर को सीधा कर दें। रोटेशन करेंगे, हिप रोटेशन। आपने क्या करना है, इसको पकड़ो यहाँ से, यहाँ से पकड़ो और पैर को घुमाओ। अब यहाँ भी थोड़ा देखो, पांच बार सीधा, बड़ा शून्य बनाएं, बड़ा शून्य बनाएं, पांचों ही उंगलियों से आपके घुटने को पकड़ें, बड़ा शून्य बनाएं, गर्दन को सीधा रखें, गर्दन को सीधा रखें, आगे देखते रहें, सीधा होकर बैठें, फिर इसको उल्टा घुमाएं, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा घुमाएं, बड़ा शून्य बनाएं, पैर को सीधा कर लें और आराम रह के स्थिति में चले जाए। दोनों ही पैरों के तलवों को आपस में मिलाएं, दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाएं, पैर के नीचे ले जाएं, पैर के नीचे ले जाएं और जितना हो सके पैरों की एड़ियों को नितंब के नजदीक ले आएं। अब दोनों ही घुटनों को जमीन पर छुआने की कोशिश करें, सीधा बैठें और दोनों ही घुटनों को जमीन से छुआने की कोशिश करें। ऐसा करने से घुटने का दर्द तो कम होता है, जमीन पर बैठने की क्षमता आपके अंदर आती है और गुप्त अंगों के अंदर की तरफ जाने वाला रक्त सक्रिय होने लगता है। आंखें बंद रखें और मन में संकल्प करते रहें कि इस अभ्यास से मेरे पैरों का दर्द, थकान, भारीपन और कमजोरी मिट रही है, दूर हो रही है। ऐसा संकल्प करते हुए आप इसको कंटिन्यू करते रहें। अब हमने सूक्ष्म व्यायाम, सबकल एक्सरसाइज, एंटी रोमेंटिक प्रैक्टिस कहा जाता है, उसका पहला जो प्रकार है हमने पूरा किया है, जहाँ हमने पूरे दोनों ही टांगों के तीनों जॉइंट्स को लचीला बनाया है। अब हम जा रहे हैं सेकंड फेज की तरफ, मेरुदंड। हमारे मेरुदंड में 33 मणके होते हैं, इनके बीच में डिस्क होती है। हमारा गलत रहन सहन का तरीका, व्यायाम न करना या भोजन सही मात्रा में या सही ढंग का न लेना या मानसिक तनाव के नीचे हम जीते हैं, इसके वजह से एसिड की लाइन तैयार होती है पूर्व मेरुदंड के आसपास में, इसके वजह से शरीर में कड़ापन आता है और वो कड़ापन कभी कमर का दर्द, कभी कंधे की पीड़ा, कभी पीठ की अकड़न और कभी गर्दन का कड़ापन ले आता है। तो आइए हम इसको तीन प्रकार से करेंगे। पहले दोनों पैरों को मिला लें, दाहिने पैर को राइट लेग उठाएं ऊपर, पहली उंगली अंगूठे के बीच में फंसाएं और अब दोनों ही पैरों को गर्दन को ले जाएं दाहिनी तरफ, दोनों ही पैरों को जमीन से छुआने की कोशिश करें, गर्दन को दाहिनी तरफ ले जाएं, कमर से लेकर गर्दन तक जो मरोड़ आती है शरीर में उसे महसूस करें, फील करें उस स्ट्रेच को, और दोनों ही पैरों को ले चलें दाहिनी तरफ, दोनों पैरों को जमीन से छुआने की कोशिश करें और गर्दन को ले जाएं बाईं तरफ, उस खिंचाव को महसूस करें, काफ़ी कसर, काफ़ी मरोड़ बनती है कमर से लेकर गर्दन तक, उस खिंचाव को महसूस करें। रिलैक्स पैरों में, रिलैक्स। अब दोनों ही पैरों अंतर रखें। अब हम जा रहे हैं स्पाइनल ट्विस्ट की तरफ, दोनों पैरों अंतर रखें, दोनों बाहों को कंधों के लाइन में लगा के रखें, दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को छुआने की कोशिश करें, बाईं हथेली को ले जाएं आसमान की तरफ और नज़र को हथेली के पास रखें, फिर दूसरी साइड टर्न हो जाएं। अब दाहिने हाथ को बाएं पैर को छुआने की कोशिश करें, हथेली आसमान की तरफ, नज़र को हथेली के पास रखेंगे और एक राउंड, दाहिने हाथ को बाएं पैर को अंगूठे पर छुआने की कोशिश करेंगे, अपोजिट साइड, दूसरे साइड जाएंगे, हथेली आसमान की तरफ, नजर को हथेली के पास टिकाए रखें। अब दोनों बाहें फिर से कंधों के लाइन में ले आएं, बाहों को नीचे ले आएं
एंड रिलैक्स, आराम देके स्थिति में चले आए, बाहों को आगे ले आए, बाहें नीचे और आराम देके चले। अब हम करने जा रहे हैं चक्की चरणासन। यहाँ ध्यान रखें कि आपकी दोनों बाहें जो हैं एल्बो से बिल्कुल मुड़ी नहीं चाहिए और आपके पैरों में कंफर्टेबल अंतर ले आएं और दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाएं, दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाएं। अब आपको कितना बड़ा घेरा बनाना है पैरों की उंगलियों से लेकर आपके जंघा के मध्य तक। ज़्यादा आगे अगर जाओगे तो खिंचाव कम बनेगा, ज़्यादा पीछे चले जाओगे तो भी खिंचाव कम हो जाएगा। आपका जो घेरा बनेगा वो पैरों की उंगलियों से लेकर जंघा के मध्य तक। अब यहाँ पर आपको श्वासोश्वास के साथ करना है। सांस को आप क्या करोगे, भरते हुए पीछे जाना है और छोड़ते हुए आगे जाना है। अब पहले मेरा पूरा रिकॉर्डिंग कर लेंगे, देखें ध्यान से, सांस को छोड़ते हुए आगे जाना है। पहले देख लो सभी देख लो पहले, ये गलत नहीं करना। एंटी क्लॉकवाइज उल्टा, रिलैक्स। पहले सीधा घुमाना है, सीधा बड़ा शून्य बना, घुमाओ सीधा 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 क्लॉकवाइज को घुमाओ। Yes, very good, बड़ा अच्छा हो गया अभी, beautiful, पूरा घुमाए, कितना अच्छा लग रहा है सबको घूमते हुए। आप उल्टा घुमाए, उल्टा एंटी क्लॉकवाइज स्टैंड डायरेक्शन उल्टा घुमाए, उल्टा घुमाए। Yes. अब इसके बाद हम चल रहे हैं तीसरे अभ्यास की तरफ, जिसमें हम दोनों ही बाहों का अभ्यास करेंगे। Yes, दोनों बाहों को कंधों की लाइन में ले आओ, पांच उंगलियों को बाहर की तरफ स्प्रेड करो, बाहें कंधों के लाइन में सीधी, पांचों उंगलियों को बाहर की तरफ स्प्रेड करो, जोर से फैलाओ बाहर की तरफ, फैलाओ बाहर की तरफ। आप अंगूठे तो बाहर रखकर पुट्ठी को बंद करो, अंगूठे को बाहर रखो, रिंग फिंगर के पास में रखो अंगूठा, छोटी उंगली के पास में जो उंगली है ना वहाँ अंगूठे के टिप को रखो, जोर से दबाओ। इससे सारे पेट के एक्यूप्रेशर पॉइंट दबते हैं जिससे आपका पेट ठीक होता है। और जोर से दबाओ, फिर बाहर की ओर ले जाओ, खींचो आँस बाहर की तरफ, फिर अंदर की तरफ ले आओ और जोर से दबाओ। अब हाथों की उंगलियों को आगे पीछे करो, अप एंड डाउन। अब अंगूठे को अंदर रखकर दोनों ही मुट्ठियों को बंद करो और 10 बार सीधा घुमाओ, 10 राउंड्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 10 बार सीधा घुमाएं और अब उल्टा घुमाएं, 10 बार उल्टा, 10 बार उल्टा। अगर गर्दन में दर्द है तो मिलाकर रखें और अगर कंधे में दर्द है तो इस दोनों को अलग करके आप ऐसा भी घुमा सकते हैं। आप चाहें तो एक हाथ से ऐसा भी घुमा सकते हैं, इसको सपोर्ट देकर 10 बार ऐसा सीधा घुमाएं, फिर 10 बार इसको ऐसा उल्टा घुमाएं। अब एल्बोस के लिए आगे पीछे करें, फ्रंट एंड बैक, फ्रंट एंड बैक। अब साइड पे ले जाएं, दोनों ही हाथों को साइड पे ले जाएं, कंधों के लाइन में। अब बाहों को ऊपर नीचे करें, ऊपर नीचे करें, रिलैक्स। दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाएं, बाहर की ओर ले जाएं, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। अब अतरी आमने सामने ले आएं, उल्टा कर दें, दाहिने हाथ को नीचे से ले जाएं, अतरी अतरी के साथ मिलाएं, उंगलियों को फंसाएं, आप इसको सीधा घुमाएं। सांस को भरते हुए बाहों को सीधा कर दें बाहर की तरफ, तनाव की स्थिति में रिलैक्स करते हुए सांस को छोड़ते हुए बाहर आएँ। फिर अतरी आमने सामने ले आएँ, उल्टा करें, बाएं को नीचे ले जाएं, फंसाएं उंगलियां उंगलियों में, अब इसको घुमाते जाएं।
रिलैक्स। इसके बाद हम चल रहे हैं चौथा अभ्यास शोल्डर ज्वाइंट्स के लिए। यहाँ तीन प्रकार के अभ्यास होते हैं। दोनों बाहों को कोई नहीं करना, दोनों बाहें आप जंगा को ऊपर रखें और बड़ा शून्य पांच बार सीधा घुमाएं क्लॉकवाइज, फाइव टाइम्स क्लॉकवाइज रोटेशन। अब कंधों को उल्टा घुमाएं, रिलैक्स। अब सॉकेट शोल्डर रोटेशन, दोनों हाथों की उंगलियों को कंधों के पास रखें, दोनों ही कोहनियों को मिलाएं, बाहों को कानों से लगाएं और बाहों को बगल से लगाएं। वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री। और अब उल्टा घुमाएं, बड़ा शून्य बनाते हुए उल्टा घुमाएं, रिलैक्स। अब दोनों हाथों की चारों उंगलियों को थोड़ा फोल्ड करें, उठाएं ऊपर, बाहर गर्दन के पीछे और गर्दन सीधी खींचे नीचे की तरफ, गर्दन को सीधा रखें, उठाएं ऊपर, दूसरी तरफ ले जाएं, हर लेता है कंधे की और गर्दन की पीड़ा को स्ट्रेचेस, फिर ऊपर को उठाएं, बाहर गर्दन के पीछे गर्दन को सीधा रखें, मैक्सिमम पुल करें नीचे की तरफ, फिर ऊपर उठाएं, दूसरी तरफ ले जाएं, फिर ऊपर उठाएं, ऑन द अपोजिट साइड ऊपर ले आए और दूसरे साइड खींचें एंड रिलैक्स। अब हम करने जा रहे हैं सबसे लास्ट में, इसको कहा जाता है नेक रोटेशन, इसको कहा जाता है मेंटल रिलैक्सेशन। ये जो हिस्सा है जो सर को धड़ से जोड़ता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर थायराइड, पैराथायराइड, वोकल कॉर्ड, वॉइस बॉक्स, ओटा, सबसे बड़ी नली जो हार्ट में से निकलती है ब्रेन की तरफ जाती है, और नर्वस सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों को जो कंट्रोल करता है, कैरोटिड बॉडीज, कैरोटिड साइनस, वो भी यहाँ रहती हैं। बहुत ही सकरा भाग है, सारे शरीर की नर्व्स यहाँ से पास होते हैं दिमाग की तरफ और वापस नीचे की तरफ जाती हैं। तो इस एरिया को रिलैक्स रखना बहुत ही ज़रूरी है। इस बात का ध्यान रखें, पाँच अलग अलग प्रकार के अभ्यास मैं आपको कराऊँगा, जिसमें इस बात का ध्यान रखें कि गर्दन को आगे तब नहीं लाना है जब आपको गर्दन का दर्द हो, ज़्यादती जल्दबाजी और ज़बरदस्ती खतरनाक होती है। अपनी क्षमता अनुसार ही आप मूवमेंट्स करोगे, तो सबसे पहले आपने नहीं करना तो भी चलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। बस गर्दन को सांस को भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएं, गर्दन कंधे के पीछे, फिर गर्दन को आगे ले आएं, ठोड़ी को छाती से लगाने की कोशिश करें। बैठ कर इन अभ्यास को करना है और आँखें बंद कर कर करना है। पाँच बार गर्दन को आगे पीछे ले जाएंगे, गर्दन को कंधे के पीछे ले जाएं, फिर जब आगे आ रहे हैं थोड़ी को छाती से लगाएं। 10 बार इस अभ्यास को करना है। अब गर्दन को दोनों ही साइड ले जाएं, बाईं तरफ और दाहिनी तरफ, बॉडी को सीधा रखें, चिन को बिल्कुल ही नहीं हिलाना है। बोथ साइड, दोनों ही साइड ले जाएं गर्दन को, अपनी क्षमता अनुसार चिन को सीधा रखते हुए मोड़ लें। अब कान को शोल्डर ब्लेड से लगाएं, कान को कंधे के ब्लेड से लगाएं। अगर जो नहीं कर पाते हैं ऐसा, वो हर बार कंधे को ऊपर उठाएं, लगाएं कान के साथ में, फिर रिलैक्स करें, फिर ऊपर उठाएं, फिर रिलैक्स करें। दोनों ही साइड कानों को शोल्डर ब्लेड से लगाएं। उसके बाद और चौथे अभ्यास में ठोड़ी को छाती से, यहाँ से चिन को नीचे छाती के पास ले जाना है, 45 डिग्री का कोण बनाते हुए नीचे 45 डिग्री, पहले राइट तरफ फिर बाईं तरफ, फिर सीधा उठाएं, फिर दाहिनी तरफ ले जाएं, फिर बाईं तरफ ले आए, चिन सीधा, टेक इट द राइट साइड, दाहिनी तरफ ले जाएंगे, छाती से लगाने की कोशिश करें। अब गर्दन को पूरा घुमाएं, गर्दन को नीचे ले आएं, सांस को भरते हुए मध्य तक ले जाएं, सांस को छोड़ते हुए आगे तक ले आएं। उल्टा तीन बार ही करना है, सीधा फिर उल्टा, रिलैक्स। देखते जाओ, दोनों बाहें कंधों की लाइन में, और ज़्यादा स्प्रेड करें, पांचों उंगलियों को बंद करें, अंगूठे को बाहर रखें
छोटी उंगली के पास में जो उंगली है उसके पास रखें, अंगूठे को जोर से दबाएं और जोर से और जोर से, ऐसा करने से सारे पेट के पीछे पॉइंट दबते हैं। फिर पांचों उंगलियों को खोलें और जोर से खोलें, स्ट्रेच करें बाहर की तरफ, अंगूठे को अंदर रखकर मुट्ठी को बंद करें, अंगूठे को बाहर रखें मुट्ठी को बंद करें, और अब एंकल को ऊपर नीचे करें, पाँचों उंगलियाँ मिलाकर, पाँचों उंगलियाँ मिलाकर, पाँचों उंगलियाँ मिलाकर, अब दोनों ही अंगूठे को अंदर ले लें, मुट्ठियों को बंद करें और दोनों मुट्ठियों को मिलाकर करें। गर्दन की पीड़ा है तो आप दोनों ही मुट्ठियों को आप मिला दोगे, और अगर कंधे में पीड़ा है तो इसको अलग रख कर करोगे। फिर इसको उल्टा घुमाओ एंटी क्लॉकवाइज, यस। अब एल्बोस के लिए पहले आगे पीछे करें, झटके के साथ नहीं, बड़े आराम से फ्रंट एंड बैक पांच बार आगे पीछे करें। अब दोनों ही साइड में ले जाएं, बोथ द साइड्स शोल्डर्स, बोथ द साइड्स में ले जाएं दोनों ही साइड में। अब ऊपर नीचे करें, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, रिलैक्स। अब दोनों हाथ की उंगलियों को फंसाएं, फंसा दोनों हाथ की उंगलियों को बाहर की ओर ले जाओ, अंदर से बाहर, उंगलियां ना खुलने पाए, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। अब अधरी आमने सामने ले लें, उल्टा कर दें, दाहिने को नीचे से ले जाएं, अथरी अथरी के पास में ले जाएं, इन फिंगर्स को आपकी उंगलियों को इंटरलॉक कर दें, और अब बाहों को सीधा, सांस को भरते हुए सीधा करें, फिर खोलें, अंदर की तरफ ले आए, उंगलियां फंसी हुई आपस में, उंगलियां फंसी हुई, हथेलियां फिर से आपने सामने ले आएं, उल्टा करें, बाएं हाथ को नीचे ले आएं, हथेली हथेली के सामने इंटरलॉक करें और फिर घुमाएं, सीधी बाहें सीधी, बाहें सीधी, रिलैक्स। अब हम करने जा रहे हैं कंधों का, कंधों के लिए चलें सभी, दोनों ही कंधों को पांच बार सीधा घुमाएं, बड़ा शून्य बनाएं, फाइव राउंड्स क्लॉकवाइज, फाइव राउंड्स क्लॉकवाइज। अब उल्टा घुमाएं एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा घुमाएं, शोल्डर सॉकेट रोटेशन, दोनों ही हाथों में उंगलियों को कंधे के पास रखें, दोनों ही कोहनियों को मिलाएं, बाहों को बगल से लगाएं, बाहों को कानों से लगाएं, बाहों को बगल से लगाएं, वन कोहनियों को मिलाएं, टू कानों से लगाएं, थ्री बगल से लगाएं, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। अब उल्टा घुमाएं एंटी क्लॉकवाइज, बड़ा शून्य बनाएं, बिग सर्किल, बिग सर्किल, रिलैक्स। अब दोनों हाथों की चारों उंगलियों को पकड़ें, फोल्ड करके उठाएं ऊपर, बाहर गर्दन के पीछे और गर्दन सीधी खींचे नीचे की तरफ, झुकना नहीं है गर्दन को, ना झुकाना है साइड में, ना कंधे को झुकाना है, उठाएं ऊपर, चलें दूसरे साइड में और जोर से खींचे नीचे की तरफ, बाहर गर्दन के पीछे गर्दन को सीधा रखें, महसूस करते चले, फिर उठाए दोनों हाथों को ले चले बाई तरफ, उठाए ऊपर ले चले दूसरी तरफ, बाहों को ऊपर उठाएं लास्ट राउंड, फिर नीचे ले जाएं एंड रिलैक्स, आरामदायक स्थिति में चले आए। अब हम करने जा रहे हैं गर्दन के लिए, यस, गर्दन को आगे पीछे ले जाएं आंखें बंद करते हुए, आगे जब लाते हैं तो ठोड़ी को छाती से छुआने की कोशिश करें, जब पीछे ले जाते हैं तो गर्दन को कंधे के पीछे डाल दें, और अब दोनों ही साइड ले जाएं गर्दन को दूसरे में, बोथ साइड गर्दन को दोनों ही तरफ, चिन को सीधा रखते हुए आंखें बंद करें, आंखें बंद करें, वो देखो वो अलग ही कर रही है, तो एक ही दिख रहा है, गर्दन को दोनों तरफ ले जाएं, बोथ साइड्स, दोनों ही साइड गर्दन को घुमाएं, बोथ साइड स्लोली, और आप देखें क्या करना है, ध्यान से देखें मेरी तरफ, कान को शुल ब्रेड से लगाएं, फिर दूसरी तरफ ले जाएं, दोनों ही साइड लगाएं, झुकाना नहीं है कंधे को, नहीं झुकाना है, जो नहीं लगा पाते हैं कंधे को उठाएं ऊपर और लगाएं, प्लीज कंटिन्यू, अब ठोड़ी को छाती से लगाएं नीचे 45 डिग्री का कोण बनाते हुए, 45 डिग्री का कोण बनाते हुए छाती से लगाएं,
बॉडी को छाती से लगाने की कोशिश करें। सभी सीधा बैठो, पीछे झुकना नहीं है। गर्दन घुमाएं, गर्दन पैर नीचे ले जाएं, तीन बार सीधा घुमाएं, क्लॉक वाइज बड़ा शून्य बनाएं। उल्टा घुमाएं, बड़ा शून्य, आंखें बंद रखें, बड़ा शून्य बनाएं। रिलैक्स। मूवमेंट करने से क्या होता है, यहाँ के मांसपेशियों का तनाव दूर होता है, लचीलापन बढ़ता है, ब्रेन की तरफ हमारे दिमाग की तरफ जाने वाला जो रक्त होता है उसको कहा जाता है कैपिलरीज। बहुत ही सूक्ष्म वाहनियाँ होती हैं, मानसिक तनाव की वजह से हमारा शरीर को किसी भी पोजीशन में अकड़ कर रखना या लगातार आगे झुककर काम करना, इन सबसे क्या होता है, उन सूक्ष्म वाहनियों में कड़ापन आता है और उनका डायमीटर कम हो जाता है। रक्त वहाँ जब रुकता है तो कभी कंधे का दर्द, कभी नींद बराबर नहीं आती है, कभी सर का भारीपन रहता है, कई बार माइग्रेन हो जाता है, नींद बराबर नहीं आती है। लेकिन इन सब नेक मूवमेंट या मेंटल रिलैक्सेशन से क्या होता है, आपकी एकाग्रता, याददाश्त शक्ति ये सब बढ़ेगी। ये सभी व्यायाम जो मैंने अभी आपको कराए हैं पाँच फेजेज में, पहले हमने पैरों का लिया, फिर स्पाइन का लिया मेरुदंड का, फिर हमने बाहों का लिया, उसके बाद कंधों का लिया, पाँचवा गर्दन का लिया। दिखने में बड़े ही सरल होते हैं ये, लेकिन बड़े ही काम के। आपके शरीर के सारे ही जॉइंट्स में जैसी गैस रिलीज होती है तो क्या होता है, आपके शरीर के मांसपेशियों का तनाव कम होता है, जिसकी वजह से शरीर में लचीलापन और शरीर में फुर्तीलापन बना रहता है। कि आज हमारा सेशन पूरा होगा कमर के ऊपर। हमारे एक्चुअली देखा जाए तो स्पाइन में मेरुदंड में टोटल 33 मणके होते हैं, 33 वर्टिब्राज होते हैं, जिसमें से 7 होते हैं गर्दन में, और जिसको C7 सर्वाइकल के 7 मणके C1 to C7, और 12 होते हैं छाती में, इसको कहा जाता है थोरेसिस, T1 से लेके T12 तक। उसके बाद होते हैं कमर के मणके आते हैं L1 से L5 तक, जिसको कहा जाता है लंबर। लंबर के 5 मणके होते हैं L1 L2 L3 L4 L5। उसके बाद आता है सेक्रम, सेक्रल रीजन आता है, जिसमें भी 4 से 5 मणके होते हैं, और फिर होता है 2 या 3 हड्डियां मिलाकर एक हड्डी बनती है, जिसको कहा जाता है नुकली हड्डी, जिसको कहा जाता है कोसिक्स, कोसिजल एरिया कहलाते हों। ऐसे 33 मणकों का हमारा बनता है मेरुदंड। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इस मेरुदंड में सबसे ज़्यादा मूवमेंट कहाँ होते हैं, गर्दन में मूवमेंट होते हैं और कमर में मूवमेंट होते हैं, दोनों में मूवमेंट होते हैं, और ज़्यादा तकलीफ हमें इन्हीं हिस्सों की होती है, या गर्दन की होती है या कमर की होती है। लेकिन कमर के, गर्दन के मुकाबले कमर के दर्द लोगों को ज़्यादा होते हैं। उसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ जब हम मूवमेंट कर रहे हैं गर्दन को आगे पीछे दाएँ बाएँ, तो यहाँ पर क्या है, शरीर का वजन नहीं है,
लेकिन कमर में क्या होता है, शरीर का वजन आता है, इन लड़कों को शरीर का वजन झेलना पड़ता है। देखिए हम क्या करते हैं, थोड़ी देर ऐसे समझो बैठे हैं, कहीं पर सीधा बैठते हैं तो क्या होता है, थोड़ी देर के बाद में हम पहले बैठते हैं थोड़ा स्ट्रेट हो, थोड़ी देर के लिए हम लोग स्ट्रेट बैठते हैं और उसके बाद हमारा पोस्चर कैसा होता है, ड्रूपिंग हो जाता है। वैसे करते हैं जब हम बैठते हैं तो क्या होता है, लंबर के हमारे कमर के जो नीचे के जो मणके हैं वो दबते चले जाते हैं, सारी शरीर का वजन उन मणकों पर आता है और मणके जब जब दब जाते हैं तो उनके बीच की जो डिस्क होती है, हर मणके के बीच में डिस्क होती है, उसको कहा जाता है वर्टिब्रल डिस्क, स्पाइनल डिस्क। और वो डिस्क अगर अपनी तरफ से अपनी जगह से थोड़ी भी अगर प्रोलैप्स हो जाती है तो फिर क्या होता है, वहाँ से हर मणके के बीच से निकलने वाली जो नसें हैं वो दबती हैं और फिर सारा लोगों को कमर का दर्द होता है। लेकिन लगातार हम क्या करते हैं, शरीर को आगे झुककर ही काम करते हैं, आगे झुककर पढ़ते हैं, आगे झुककर टेलीविजन देखते हैं, आगे झुककर चलते हैं, आगे झुककर खाना खाते हैं, हर काम आगे झुककर किया जाता है। तो लगातार जैसे हम आगे झुककर काम करते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे स्ट्रेन कमर पर आता है, बहुत सारे स्ट्रेन कमर पर आने की वजह से अगर कमर को हम बैकवर्ड पोस्चर नहीं देते हैं, जो कभी आप कितना भी देर का काम करो तो आप पीछे झुककर तो काम नहीं करोगे ना, आगे झुककर काम करोगे, तो इसका स्ट्रेन जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आता है तो कमर कमज़ोर हो जाती है और फिर कमर का दर्द होता है। कमर का दर्द जब कमर कमज़ोर हो जाती है हम फिर भी उसके प्रति जागरूक नहीं होते हैं तो वो कमर का दर्द साइटी का पेन, यहाँ से दो नर्व्स निकलती हैं और वो पैर में यहाँ से यहाँ तक आती है, साइटिका के रूप में जो नर्व्स दोनों ही साइड पैरों में आती है नीचे और पैरों का भी दर्द शुरू होता है। तो आज का जो सेशन हम कर रहे हैं सारा सेशन आज का रहेगा बैक पेन के लिए, कमर के दर्द के लिए। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमें कैसे मालूम करना है कि हमारी कमर कितनी मजबूत है। देखिए हमारे सारे स्वास्थ्य का आधार हमारा मेरुदंड है, वर्टिब्रल कॉलम। अगर हमारा मेरुदंड युवा है तो हम युवा हैं, अगर हमारा मेरुदंड वृद्ध है तो हम वृद्ध हैं। पहले हम लेंगे कमर के दर्द के लिए लेट कर पोजिशन में आसन कर रहे हैं, पेट के बल कैसे लेटा जाता है, हर आसन के पहले हमें आरामदायक स्थिति में जाना है, फिर रेडी पोजिशन में आना है, योग स्थिति में जाना है और फिर उसके बाद आसन करने हैं। देखिए साइड में जब भी हम लेटते हैं तो क्या करना है, हमें साइड से करवट लेकर ही लेटना है, ये आप साइड में लेटे और आपने करवट लेकर आप लेटे सर। अब अथरी अथरी के ऊपर रखें और चेहरे को साइड में, पीछे दोनों ही पैरों के अंगूठे मिले हुए एड़ियां बाहर की तरफ, आंखें बंद कर लें। योग स्थिति में जाने के लिए आंखें खोलें, दोनों पैरों को मिलाएं, हाथ शरीर के पास में ले आए, माथा जमीन पर रखें। सबसे पहले हम करने जा रहे हैं भुजंग आसन का पहला प्रकार, दोनों अथलियां छाती के पास रखें, निपल के लाइन में। भुजंग आसन का पहला प्रकार, माथा जमीन को छुआएं, शीन को छुआएं और धीरे से आगे से सिर उठाएं ऊपर, गर्दन पीछे, आंखें बंद, कमर के नीचे के हिस्से में कोई तनाव ना हो, हाथों का सपोर्ट नहीं लेना है यहाँ, हाथों का सपोर्ट नहीं लोगे, गर्दन पीछे, आंखें बंद। आसन से बाहर आने के लिए धीरे से पहले थोड़ी बच्चों को जमीन पर लगाएं, नाक कपाल अथरी अथरी को ऊपर, चेहरा एक और साइड में रखें और आरामदायक की स्थिति में चले जाएं, रिलैक्स। यस, अब हम करने जा रहे हैं भुजंग आसन का और एक प्रकार, बहुत ही फायदे वाला प्रकार है ये, चारों ही प्रकार के लाभ इसके होते हैं। कमर पीठ गर्दन कंधा, दोनों अथनियाँ कंधों के लाइन में ले आए, कंधों के लाइन में बड़े ध्यान से देखें, दोनों ही अथेलियाँ कंधों के लाइन में ले आए, हथेली और कोहनी एक ही लाइन में ले आए, हथेली और कोहनी एक ही लाइन में, सेम स्ट्रेट लाइन, हथेली और कोहनी एक लाइन में। अब माथे को जमीन पर रखें, अब सबसे पहले ध्यान से सुने क्या कर रहा हूँ मैं, पहले गर्दन को उठाएं, छाती को उठाएं, आप दोनों हाथों का हल्का सा सपोर्ट ले लें और धीरे से उठें ऊपर, आगे से नाभि जमीन पर ही टिकी रहेगी, गर्दन पीछे, आंखें बंद और जो दबाव बना है कमर से लेकर गर्दन तक उसे महसूस करें, आंखें बंद रखें, गर्दन पीछे, उस खिंचाव को महसूस करें,
आसन से बाहर आने के लिए धीरे से पहले चिन को जमीन पर ले आए, नाक कपाल चेहरे की तरफ और आरामदायक पैरों को मिलाए, हाथ सिर के पास ले आए। भुजंग आसन का तीसरा प्रकार हम करने जा रहे हैं। अब दोनों हथेलियां फिर से चेस्ट के पास ले आए, माथा जमीन पर, नाक जमीन पर, सिर जमीन पर, और अब आगे से नाभि उठाएं सिर को ऊपर और दोनों हथेलियां ऊपर उठाएं। एक खास विशेष लाभदायक पोस्चर है पीठ के दर्द के लिए, गर्दन पीछे जितना हो सके नाभि तक सिर उठाएं ऊपर, कमर के नीचे किसको रिलैक्स रखें और अब धीरे से चिन को ले आए जमीन पर, नाक कपाल चेहरे की तरफ एंड रिलैक्स। आसन में जाने के लिए पैरों को मिलाएं, हाथ शरीर के पास में ले आएं, माथा जमीन पर रखें, दोनों हथेलियां छाती के नीचे ले आएं और दोनों हथेलियों का हल्का सा सपोर्ट लेते हुए उठे ऊपर, कमर ऊपर न उठे, गर्दन को पीछे ले जाएं और कमर में आने वाले खिंचाव को महसूस कर लें, महसूस करते चलें। आसन से बाहर आने के लिए धीरे से छाती को अपनी जगह पर ले आएं और आरामदायक स्थिति में चले जाएं। भुजंग आसन का पांचवा प्रकार है ये, इसको कहा जाता है सर्पासन। ये आरामदायक स्थिति योग स्थिति, पैरों को मिलाएं, हाथ शरीर के पास में ले आएं, माथा जमीन पर रखें, दोनों हथेलियों को पीछे बांधें, दोनों हथेलियों को बांधें, सीधा कर लें, माथा जमीन पर रखें, बाहें सीधी, नाक को छुआएं, चिन को छुआएं और आप शरीर का अगला हिस्सा नाभि तक उठाएं, बाहों को सीधा ही रखें, कमर के नीचे के इसको रिलैक्स रखें और दोनों ही बाहों को उठाएं ऊपर, जितना हो सके उठाएं ऊपर, गर्दन पीछे, आंखें बंद। वापस आने के लिए पहले दोनों हथेलियां पीठ पर ले आए, चिन जमीन पर, नाक कपाल चेहरे की तरफ। अब हम करने जा रहे हैं त्रियंग भुजंग आसन। दोनों ही पैरों में अंतर ले लें, दोनों ही पैरों की उंगलियां जमीन पर रखें, पैरों अंतर लें, दोनों ही पैरों की उंगलियां जमीन पर रखें, दोनों हथेलियों को छाती के पास में ले आए, निप्पल के लाइन में, माथा जमीन पर, नाक जमीन पर, चिन जमीन पर, उठाएं ऊपर से, आगे से उठाएं ऊपर और धीरे से गर्दन को मोड़े दाहिनी तरफ और बाएं पैर की एड़ी को देखें, बाएं पैर की एड़ी को देखें, गर्दन को सीधा आगे ले आए, गर्दन को मोड़े दाहिनी तरफ राइट हैंड साइड और बाएं पैर की एड़ी को देखें, अपोजिट साइड की पैर की एड़ी को देखें, गर्दन सीधी आगे, थोड़ी चिन जमीन पर ले आए, नाक कपाल चेहरे की तरफ एंड रिलैक्स, आरामदायक। यस, अब हम करने जा रहे हैं मकरासन। यह आसन बड़ा ही विशेष लाभदायक पोस्चर है, आपके गर्दन को, कंधे को, पीठ को और कमर को आराम देती है। ये आप पलंग पर, सोफे पर, कहीं पर भी कर सकते हैं। बड़े ध्यान से देखें क्या किया जाता है, दोनों ही कोहनियों में अंतर रखें, 6 इंच का अंतर, दोनों हथेलियों को चांद बनाएं, शिन के नीचे ले जाएं और बिल्कुल ही रिलैक्स होकर रहें, कमर के नीचे के हिस्से में कोई तनाव ना हो, आंखें बंद रखें, सारा बैकवर्ड पोस्चर होने से काफी राहत मिलती है इसमें। ऐसे 5 से 10 से 15 मिनट तक आप लेट सकते हैं। यस, अभी जब गर्दन की पीड़ा हो तो आपको क्या करना है, दोनों ही आपके जो अंगूठे हैं, दोनों ही जो आपके अंगूठे हैं वो ठोड़ी के चिन्ह के नीचे ले आए और दोनों अंगूठे के आधार पर आपके गर्दन को पीछे की तरफ जाने दें, आंखें बंद करें, गर्दन कंधे के पीछे, आंखें बंद, दोनों अंगूठों को आप चिन के पास रखें
गर्दन की अकड़न दूर करता है ये पर्टिकुलर स्ट्रेचिंग। रिलैक्स, आराम ले, अप एंड डाउन स्लोली, अप एंड डाउन बोथ द लेग्स, अप एंड डाउन, झटके के साथ पैरों को ऊपर नीचे नहीं करना है, एक एक पैर को। एक साथ ऊपर उठाएं, अंदर की तरफ लाएं, फिर बाहर की ओर ले जाएं, बिना झटके के पैरों को ऊपर नीचे ले आएं, स्लोली अप एंड डाउन, जहां तक हो सके पैरों को मिलाकर रखें और घुटनों को भी मिलाकर रखें, अप एंड डाउन आगे पीछे करें, आराम बैक स्थिति में चले जाएं, आराम बैक स्थिति। हम करने जा रहे हैं शलवासन, आरामदायक की स्थिति में लेटे, पैरों को मिलाएं, हाथ शरीर के पास ले आएं, माथा जमीन पर, नाक को जमीन से छुआएं, सिर को जमीन पर रखें, आप दोनों ही अंगुलियों को जंगा से जोड़ के अंदर वाले भाग में रखें, अर्ध शलवासन के लिए चिन्ह को फिक्स करें जमीन पर और दाहिने पैर को राइट तक उठाएं ऊपर, जितना हो सके दाहिने पैर को उठाएं ऊपर, आसमान की तरफ पैर घुटनों से नहीं मुड़ेगा, धीरे से पैर पैर के पास में, अब बाएं पैर को उठाएं, पैर घुटने से नहीं मुड़ेगा, और अब धीरे से पैर पैर के पास में ले आए, अब दोनों ही पैरों को एक साथ उठाएं, पैर घुटने से नहीं मुड़े, और उठाएं, दोनों पैर नीचे, नाक कपाल चेहरे तरफ, एंडलेस आराम बैठ सकती। हम करने जा रहे हैं कपोत आसन, दोनों ही पैरों अंतर रखें, दोनों अंगुलियां चेस्ट के पास रखें, माथा नाक से जमीन पर, आगे उठाएं सिर को ऊपर, कमर ऊपर न उठे, दोनों ही पैरों को घुटनों से फोल्ड करें, आप गर्दन को पैर के तलवों की तरफ और पैर के तलवे गर्दन की तरफ खिंचाव में ला के रखें, गर्दन पीछे, आंखें बंद करके उस खिंचाव को महसूस करें, कपोत आसन। वापस आने के लिए दोनों ही भाग एक साथ जमीन पर, नाक कपाल चेहरे की तरफ, एंडलेस। इसके बाद हम करने जा रहे हैं नौकासन, पैरों को मिलाएं, शरीर के दोनों ही भाग एक साथ ऊपर उठाएंगे, माथा जमीन पर रखें, दोनों हथेलियों को पीछे बांधें, लेफ्ट हैंड की कलाई को राइट पीछे पकड़े, अंगूठे को अंदर रखें, मुट्ठी को बंद करें, बंद मुट्ठी को सरकाते हुए पीठ पर जय गर्दन की तेव, कोहनियों को ताने, एल्बोस को ताने, माथा नाक की जमीन पर, अब शरीर का अगला पिछला, दोनों ऐसे एक साथ ऊपर उठाए, कोहनियां तनी हुई, गर्दन पीछे, नौका में स्थिरता रखे, धीरे से दोनों ही भाग एक साथ जमीन पर ले आए, नाक कपाल चेहरे की तरफ और आरामदायक रिलैक्स। माथा नाक चिन थोड़ी को जमीन पर फिक्स करें, दोनों ही पैरों अंतर ले लें, दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड करें, दोनों हाथों से पकड़े एंकल जॉइंट्स को और अब धीरे से हाथों और पैरों को छुड़ाने की कोशिश करें, गर्दन को पीछे ले जाएं, घुटनों के साथ जंघाएं भी ऊपर उठें, गर्दन पीछे, स्लोली दोनों भाग एक साथ जमीन पर ले आए, नाक कपाल चेहरे एक तरफ, एंड लेग आरामदायक स्थिति, आरामदायक स्थिति लेटे हैं, पीठ के बल पैरों अंतर रखें, हाथ शरीर से दूर रखें और अपनी आसमान की तरफ ले जाएं, आरामदायक स्थिति में बैठे लेटे रहें, सभी आंखें बंद कर लें, करने जा रहे हैं हम सेतुबंध आसन, कमर पीठ गर्दन कंधा चार प्रकार की पीड़ाओं को अकेला करने वाला आसन,
पैरों को मिलाएं, हाथ शरीर के पास ले आए, हथेलियां जमीन की तरफ, दोनों ही पैरों में एक फुट का अंतर ले लें और अब धीरे से कमर को उठाएं आसमान की तरफ। इस कदर के शरीर का वजन हमारे पैरों पर और कंधों पर, अब धीरे से पैरों की उंगलियां आगे से उठाएं, एड़ियों के बल पर और कंधों के बल पर ज्यादा से ज्यादा शरीर को आसमान की तरफ उठाएं, उस खिंचाव को महसूस करें, आंखें बंद रखें, धीरे से पीठ को नीचे ले आए, पैरों को सीधा कर लें और आरामदायक स्थिति में चले जाएं। करने जा रहे हम शरीर को लेटी हुई अवस्था में हम देंगे वक्रता, इसका नाम है उत्तान वक्रासन। पैरों को मिलाएं, हाथ शरीर के पास ले आए, दोनों ही पैरों को घुटनों से फोल्ड करें, पैर मिलाएं, घुटने मिलाएं, दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाएं, गर्दन के नीचे ले जाएं और अब धीरे से दोनों ही घुटनों को एक साथ मिलाकर सभी ले जाएंगे दाहिने बाजूला, दाहिनी तरफ ले जाएं, राइट हैंड साइड, घुटने मिले हुए, पैर चढ़ा हुआ, कंधे जमीन से लगा के रखें, आंखें बंद करके उस खिंचाव को महसूस करें, घुटना मिला हुआ, पैर चढ़ा हुआ, कंधे जमीन से लगे हुए, दोनों घुटने आपसे 90 डिग्री में, आप दोनों घुटनों को ले जाएं दूसरी साइड में, घुटना मिला हुआ, पैर चढ़ा हुआ, जहां भी दोनों घुटने मुड़ रहे हैं गर्दन उसके विरुद्ध दिशा में ले जाए, अपोजिट साइड में जहां भी गर्दन ले जा रहे हैं उस तरफ के कंधे को जमीन से ऊपर लौट ले, घुटना मिला हुआ, पैर चढ़ा हुआ और दोनों घुटने और सरमेंटिंग भी ले आए, पैरों को सीधा कर लें और आरामदायक स्थिति में चले जाएं, रिलैक्स।